ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में 1:50 के स्केल को 1:20 के स्केल में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक पार्ट प्लान है जो कि 1:50 के स्केल में, इस प्लान को मैं 1:20 में करके आपको बताता हूँ। तो 1:20 करने से पहले सबसे पहले देखिए, ये प्लान को चेक करना होगा कि वो सही स्केल में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए सबसे पहले शीट को चेक करना होगा। तो देखिए हमारा शीट है 1:100 के स्केल में, और ये जो प्लान है 1:50 के स्केल में। तो वो किस तरह से 1:50 के स्केल में वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं कैलकुलेटर ओपन किया तो हमारा शीट है 1:100 डिवाइडेड बाय, इस ऑब्जेक्ट का स्केल है 50, तो डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है देखिए, इसका फैक्टर है 2, तो ये 2 गुना से बड़ा किया हुआ है। तो इसका हम डायमेंशन एक निकाल के चेक करेंगे कि ये डायमेंशन हमें डबल मिलता है कि नहीं। डायमेंशन लीनियर कमांड की मदद से देखिए चेक करता हूँ। तो देखिए ये 1200 है और 2400 है, मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 गुना बड़ा किया हुआ है। तो ये हमारा स्केल सही है 1:50 के स्केल में। तो दोस्तों अभी हम इस ऑब्जेक्ट को 1:20 के स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैं बाहर की तरफ शीट के इस तरह से कॉपी करता हूँ। उसके बाद देखिए इसको और 2 बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को 1:20 के स्केल में किस तरह से चेंज किया जाता है। इसको आप स्केल कमांड की मदद से 3 तरीके से चेंज कर सकते। उसमें पहला तरीका है स्केल कमांड SC इंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद ये देखिए ये वाला मैंने बेस पॉइंट लिया। उसके बाद नीचे की तरफ टाइप करना है 50 डिवाइडेड बाई 20। हमारे जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका स्केल है 50, हमें ये ऑब्जेक्ट 1:20 के स्केल में करना है। तो डिवाइडेड बाई 20 करना होगा, 50 डिवाइडेड बाई 20 और इंटर करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो गया। तो ये पहला तरीका हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट में हम दूसरे तरीके से किस तरह से स्केल कर सकते हो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए देखिए कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। तो दूसरा तरीका इस तरह से है, तो उसका हमें फैक्टर निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए मेरा करंट ऑब्जेक्ट है 50 के स्केल में डिवाइडेड बाय, मुझे 20 के स्केल में करना है। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 करना होगा, तो उसका फैक्टर आएगा 2.5। तो डायरेक्टली स्केल कमांड की मदद से इस ऑब्जेक्ट को आप ये देखिए इस तरह से 2.5 फैक्टर जो आपने अभी निकाला उसको डायरेक्टली 2.5 करके इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सेकेंड तरीका हो गया। उसके बाद देखिए इस ऑब्जेक्ट में हम तीसरा तरीका भी यूज़ करेंगे कि किस तरह से इसको स्केल कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका इस तरह से है, तो उसके लिए हम स्केल का मान लेंगे SC इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद देखिए बेस पॉइंट, उसके बाद देखिए आपको रेफरेंस लेना है। तो रेफरेंस के लिए मैं R इंटर करता हूँ। उसके बाद देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है अभी 50 के स्केल में और आपको करना है 20 के स्केल में। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 टाइप करना होगा और इंटर करना होगा, उसके बाद 50 इंटर करना होगा। तो देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो गया। तो इन 3 तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्केल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस डिटेल को मैं शीट के अंदर मूव करता हूँ मूव कमांड की मदद से। ये देखिए इस तरह से अभी देखिए ये डिटेल इनलार्ज होने के बाद इसके डायमेंशन भी बड़े हो गए। तो इसके डायमेंशन को सेट करने के लिए डायमेंशन स्टाइल में जाके इसका स्टाइल जनरेट करना होगा। तो उसके लिए तो डी इंटर करूँगा मैं। डी इंटर करने के बाद इस तरह से आपका स्टाइल टेबल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू करना है, और न्यू करने के बाद यहाँ पे लिखना है 1:20, क्योंकि मुझे 20 के स्केल में करना है। उसके बाद कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्केल फैक्टर आपको देना होगा। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर देने के लिए मेरा करंट ऑब्जेक्ट है 20 के स्केल में और डिवाइडेड बाय शीट, तो मेरा शीट है 100 के स्केल में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको कैलकुलेटर इस तरह से ओपन करना होगा और वहाँ पे भी इस तरह से फैक्टर निकाल के आप वहाँ पे दे सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100।
तो देखिए इसका फैक्टर आया 0.2, और मैंने जो पहला तरीका बताया उसके भी डायरेक्ट देखिए इस तरह से फैक्टर जनरेट हो गया 0.2। तो फिलहाल इसको मैं ओके करता हूँ, उसके बाद क्लोज करता हूँ। उसके बाद देखिए इस डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए, जितने भी आपके डायमेंशन है उसको आपको ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका स्टाइल जनरेट हुआ है 1:20, उसको आप क्लिक कीजिए तो देखिए आपके डायमेंशन इस तरह से सेट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला मेरा डायमेंशन था 1200x525, तो ये देखिए 1200x525 ये इस तरह से हो गया। तो दोस्तों डायमेंशन सेट होने के बाद अभी हम ये जो एनोटेशन के ब्लॉक है उनको हम सेट करेंगे। तो देखिए ये जो मेरा एक ब्लॉक है तो उसको क्लिक करने पर ये देखिए यहाँ पे 250 बता रहा है, तो इसको आपको 100 करना होगा क्योंकि मेरा शीट 100 के स्केल में है। तो देखिए इसको ब्लॉक को इस तरह से 100 करना होगा। ऊपर वाला ब्लॉक देखिए ये ब्लॉक में नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक में नहीं है। ऐसे वाले ब्लॉक अगर आपके एक्सप्लोडेड होंगे तो उसको भी आप स्केल कर सकते हैं। तो उसके लिए स्केल कमांड ले, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद बेस पॉइंट ले। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा पहले 50 के स्केल में था और अभी 20 के स्केल में है, तो इसको 20/50 करना होगा और इंटर करना होगा। तो देखिए इस तरह से ये देखिए दोनों ब्लॉक मैच हो गए। तो इस तरह से आप इसका स्केल सेट कर सकते हैं। उसी तरह देखिए इसके टेक्स भी बढ़ गए, तो टेक्स को भी आपको सेट करना होगा। जैसे कि ये हमारा शीट 1:100 में है, तो 100 के हिसाब से ये देखिए ये जनरल टेक्स है, तो इनकी हाइट 250 होनी चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से देखिए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर देता हूँ 250, और इसको सेट कर देता हूँ मैं ये देखिए इस तरह से। इसको मैं मूव कर देता हूँ, इसको भी मूव कर देता हूँ। इसको भी मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इस तरह से आपको सेट करना होगा, जितने भी आपके टेक्स्ट है उसको 250 में आपको डाल के इस तरह से सेट करना होगा, क्योंकि स्केल करने के बाद उसकी साइज़ एक कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इस तरह से जितने भी आपके टेक्स्ट रहेंगे उसको आपको इस तरह से सेट करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैं सभी टेक्स्ट को सेट कर लिया, और इस डायमेंशन को भी मैं क्लोज ले लेता हूँ ये देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए ये मेरा टाइटल टेक्स है और ये स्केल हमारा अभी हो गया 1:20। ये देखिए ये हमारा टाइटल टेक्स है और टाइटल टेक्स का हाइट होता है 4 mm, तो 4 mm × 100 क्योंकि हमारा शीट 100 का है, तो ये हमारा हाइट होगा 400 mm। तो यहाँ पे 1000 है, तो डायरेक्टली आप इसको स्केल कमांड की मदद से भी स्केल डायरेक्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी पैनल से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको स्केल करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद बेस पॉइंट लिया, उसके बाद इसका हाइट चाहिए मुझे 400, तो मैं पहले टाइप करूँगा 400/1000। इसका करंटली हाइट अभी है 1000 और इंटर करूँगा। तो इंटर करने के बाद ये देखिए इसका हाइट 400 हो गया और ये हमारा टेक्स 250 देखिए इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कोई भी स्केल को आप कम या ज़्यादा करेंगे तो उसके साथ उसके डायमेंशन और टेक्स्ट भी चेंज होते हैं, तो उसको आपको सेट करना होगा शीट के हिसाब से। जैसे कि मेरा शीट 100 है तो उसके हिसाब से टेक्स्ट को और डायमेंशन स्टाइल को जनरेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों
हमारे वीडियो देखने से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है या नया कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।